आज लीलावती अपने पति के इलाज को लेकर के भगवान को याद करी। हे भगवान, आपने क्या किया? कन्या देख करके व्याकुल होने लगी। हे भगवान, आज अनेक प्रकार के शोक करने के बाद इस आज आप पति को आज मैं सती ले जाऊंगी, है ना, इसको पति के साथ में मैं सती चली जाऊंगी। और सती जा करके आज अनेक प्रकार के लीलावती को समझाया गया। लीलावती नहीं मानी और क्या की, एक नौका बनाने के लिए, है ना, एक नौका और केले के झाड़ का नौका बना करके आज उसमें मैं बैठ करके इस अपने पति को लेकर के जो है नदी में झांस ले लूंगी। ऐसे गा करके राजा रानी के द्वारा अपने कपाल को पीटने लगी और छाती पीट पीट करके रोने लगी। अंत में उन्होंने केले का उस झाड़ को नौका बना करके अपने जो है राजकुमार लक्ष्मण कुमार के शव को अपने गोदी में लेकर के आज जो है जा रही हैं, कहाँ जी, गंगा नदी में। और गंगा नदी में लेकर के आज बहते 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 जा रही हैं और इस तरह वो लाश को पकड़ी है और जाते 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 पहुंच गए। और इस तरह अब वो लक्ष्मण कुमार का लाश धीरे धीरे गलने लगा और गल करके उसके आधा अंग को एक मछली ने निगल लिया, है ना। और इस तरह अब उस आधे मास को अब धीरे 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 जाते हुए कई दिन व्यतीत हो गए और उसका जो है मास गढ़ करके सड़ने लगा और खाई हड्डी का ढांचा बन गया। उस हड्डी को आज जो है लीलावती अपने आंचल पर रख करके गांठ बांध ली और गांठ बांध करके आज जो जाने लगी। और जा करके फिर वही जो है सत्यनारायण भगवान आज सप्त की नदी के किनारे सतीर वेश धारण किए हैं, है ना, हाथ में आशावाड़ी और सुंदर थैला लटकाए हुए भगवान का अपूर्व वेश लावण्य रूप भगवान दर्शन दिए। आज राजकुमारी लीलावती को कहने लगे कि हे लीलावती, तू कहाँ जा रही है? मैं अपने स्वामी को जब तक इसका हड्डी लेकर के मैं अपने सती के द्वारा इसको जीवन दान दूंगी। तो भगवान ने कहा कि हे लीलावती, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। जो मृत्यु हो गया जिसका, उसका कोई उसकी रक्षा नहीं कर सकता। अंत में आज सभी देवी देवताओं के द्वारा लीलावती बड़े भाव के साथ भगवान को याद करने लगी। हे भगवान, आप मेरे ऊपर दया कीजिए। हे प्रभु, हे कृपा सागर, मेरे ऊपर दया कीजिए और जब तक ये पति की रक्षा का दायित्व मैं पूरा नहीं करूंगी तब तक मैं जीवन समर्पण कर दूंगी। आपकी जो है आपके ऊपर, आपके नाम के ऊपर, आपके जो है गुण के ऊपर, आपके जो है सभी चरित्रों के ऊपर मैं लाछन लगा दूंगी और अंत में झांक दे करके अपने पति के साथ स्वाहा बन जाऊँ। जब तक जो 10 दीपक जल रहा था वो बुझ गया, है ना, और जब 10 दीपक जल जाएगा और जो झाड़ मरा हुआ है वो झाड़ पल्लवित हो जाएगा तो फिर लक्ष्मण कुमार जीवित हो जाएगा। तो इस तरह अब सत्यनारायण भगवान जीवदान देने के लिए आज क्या करते हैं, आज जो है लीलावती सती अनेक प्रकार के भगवान को याद करती हुई लांछन लगाती है और कहती है कि हे भगवान, यदि अपने पिताजी और अपने मेरे ससुर जो है आपने अंबिका नगर का राजा जो दिलीप राजा है ना, वो लक्ष्मण कुमार के पिता हैं और त्रिगर्त राजा वीर सिंह हमारे लीलावती के पिता हैं, है ना, तो दोनों को हे भगवान, आज दोनों के राज्य में आपकी पूजा प्रसार प्रसार होगा यदि आप हमारे पति को जीवदान प्राप्त कर दोगे तब, है ना। भगवान सत्यनारायण मन में विचार किए और मन में विचार करके अपना ध्यान करने लगे और ध्यान करके जो है
मन में विचार हुआ कि मैं इस पुत्र को जीवन दान दूंगा, जब जीवन दान दूंगा तो मेरा नाम विख्यात होगा। और सत्यनारायण भगवान आज जो है लीलावती को कहते हैं कि हे लीलावती, तू सती है और सती में ये शक्ति होता है कि वो सभी प्रकार आज जो है लाश को भी जिंदा कर सकती है, लेकिन तू ऐसा कर और फिर जितने भी उनके जो है हड्डी मात्र थे जो आंचल में पकड़ी हुई थी, भगवान एक जगह एकत्र किए और एकत्र करके जितने भी उनके मांस को, आधा मांस को आज मगरमच्छ ने, जो मछली ने निकल लिया था, मछली को काट करके उसके पेट से निकाल करके सबको एकत्र किए और एकत्र करके आज जो है भगवान वासुदेव सत्यनारायण भगवान आज उस पुत्र को, लक्ष्मण कुमार को आज संजीवनी मंत्र के द्वारा आज जो है जीवन दान दी गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और इस तरह लक्ष्मण कुमार जब जिंदा हो गया तो झाड़ था वो जो है प्रज्वलित होने लगा, दसों दिशाओं में जो दीपक जल रहा था वो दीपक प्रज्वलित हो गया और इस तरह सती के शक्ति से आज जो है भगवान उसको जीव दान प्राप्त किए। आज जो इस तरह सती माँ आज लीलावती भगवान से स्तुति करने लगे। आइए हम भी भगवान की स्तुति करते हैं। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। बोले साधे सरकार की जय हो। Thank you.
Thank you.